नमस्कार दोस्तों, मैं जीए गुरु और इंग्लिश गुरु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे शो द हिंदू एडिटोरियल गुरु शो में। जी हाँ, महेंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 फरवरी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट को हमारे इंग्लिश गुरु के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन जो है, अगर हम एडिटोरियल या फिर इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो आज काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं और बिल्कुल अलग अलग जॉनर में बात हुई है इन सारे आर्टिकल्स के बारे में। तो हम लोग बिल्कुल डिटेल डिस्क्राइब भी करेंगे, आर्टिकल ऑफ द डेज भी हैं हमारे जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ साथ जो ओवरव्यू है वो भी हम लोग इन डिटेल्स हम लोग यहाँ पे सारी की सारी जो है वो चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कोट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे की तरफ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। लिखा हुआ बिल्कुल आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी काम को अगर किसी काम में अगर लगे हुए हैं, किसी भी अगर बिजनेस में, किसी भी वेंचर में अगर आप लगे हुए हैं, तो आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज, जो बड़े काम होते हैं, जो ग्रेट वर्क, ग्रेट एस्टैब्लिशमेंट्स, ग्रेट अचीवमेंट जो होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं होते। उनके बनने में, उनके सक्सीड होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। तो वेट करिए, पेशेंस करिए और पेशेंटली आप हार्डवर्क करते रहिए। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि घर बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है, तो वही चीज यहाँ पर भी बताई गई इस पर्टिकुलर कोट के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। डिटेल में देखेंगे, जानेंगे क्या मुद्दे हैं और उनको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर डिटेल में स्क्रीन को जूम किया जाए और थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट्स की कुछ समस्या है, तो जल्दी से ठीक करके हमें स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स भी दिखा दिए जाए टेक्निकल टीम। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, वीजा क्रैकडाउन, है ना। क्या लिखा हुआ है, वीजा क्रैकडाउन। तो मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जरा सा वीजा के जो है वो माइग्रेशन लॉज में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ इश्यूज हो गए। तो भाई क्या हो गया, एक बार हम लोग सब हेड पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ द रिस्क of falling afoul of US immigration laws। बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट जो है इंडियन स्टूडेंट्स को, उनको भी जो है वो क्या कर लिया गया है, वो होल्ड कर लिया गया है 129 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये दो हेडलाइन वही कहा गया कि US immigration laws उनको फॉल शॉर्ट करने का, उनको पूरी एलिजिबिलिटी वो कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से ये सारा का सारा रिस्क जो है वो हो गया। अब इसके बारे में कंप्लीट थोड़ा सा और ओवरव्यू जानेंगे। ये देखिए, जैसे कि सर ने हमें कहा, स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ फॉलिंग अफॉल ऑफ यूएस इमिग्रेशन लॉ। सीधा सीधा जो मुद्दा निकल कर आता है दोस्तों, मित्रों, वो निकल कर आता है यूएस में जो इमिग्रेशन लॉ है। यूएस में अगर आप जाते हैं, वहां रहते हैं, तो वहां के जो कानून है वहां पर उल्लंघन हुआ है और भारतीयों को वहां पर अरेस्ट किया गया है। आप यहां पर हेडलाइंस को पढ़ सकते हैं, लाइंस को पढ़ सकते हैं जो हाईलाइटेड है, The arrest of 129 Indians on the charge of willfully violating immigration law to stay and work in the United States sends a stark message to youth looking for better prospect abroad. तो यहां पर बात की जा रही है 129 भारतीयों को वहां से गिरफ्तार किया गया on the charge of the willfully violating immigration law. उन्हें मालूम था कि वो यूएस के इमिग्रेशन लॉ को वहां पर वॉयलेट कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बावजूद यहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद 129 भारतीयों को वहां पर गिरफ्तार किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। और इस गिरफ्तारी से, इन सभी भारतीयों की गिरफ्तारी से, ऐसे युवा जो भारत में रहते हैं और अपना बेटर फ्यूचर देखते हैं यूएसए में, कहीं ना कहीं उसको एक धक्का लगा है, एक खराब मैसेज पहुंचा है भारतीयों को। सही सर, हम ये कह भी सकते हैं कि यूएस में कहीं ना कहीं भारतीयों की जो थोड़ा सी जो हमारा प्राइड है वो थोड़ा सा वहां पर धुंधला जरूर पड़ा है। हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश की प्राइड के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी क्रम में, तो नेक्स्ट जो पीपीटी है, साफ साफ यहाँ पर पूरा मैटर भी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ फर्मिंगटन केस इन मिशिगन इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फॉलिंग फॉल ऑफ यूएस इमिग्रेशन लॉज, ऑल्दो इट्स
स्टैंड अपार्ट अ रैकेट एक्सपोज बाय अ स्टिंग ऑपरेशन. एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फर्मिंगटन की बात की जा रही है, जहां पर स्टूडेंट्स को यूएस में जो अवैध तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए उनको दाखिला दिलाया जाता था और उसके बाद वहां पर रहने के लिए भी सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मुहैया कराई जाती थी. अदर सच एज दी ट्राई वैली यूनिवर्सिटीज एंड हार्गुआन यूनिवर्सिटीज where degree mills run by individuals that use false claims and documents to enable youth of unlawfully stay in the US. वहां पर स्टिंग ऑपरेशन में कुछ ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो कि इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते थे और गलत क्लेम्स के जरिए, फॉल क्लेम्स के जरिए और साथ साथ गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए वहां पर युवाओं को यूएस में स्टे कराते थे, जो कि गलत था, अनलॉफुल था इमिग्रेशन लॉ जो यूएस का है उसके लिए. तो 129 भारतीय गिरफ्तार किए गए इस पर्टिकुलर केस में. बात आपको पूरा मुद्दा इसी पूरे आर्टिकल के इर्द गिर्द घूमता है, मुद्दा आपको क्लियर हो गया होगा. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ओवरव्यू के बाद. चलिए, तो कहीं ना कहीं सर मतलब इसका ये हुआ कि जो, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि ये जो अरेस्ट है स्टिंग ऑपरेशंस होने के बाद जो ये अरेस्ट हो गया 129 इंडियन स्टूडेंट्स या फिर आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं या फिर प्रोफेशनल्स कह सकते हैं, तो उनके अरेस्ट के बाद जनरली जो ये बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, है ना. चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जोड़े चलते हैं. ये देखो लिखा हुआ है द पीस होल्ड्स. क्या लिखा हुआ है? द पीस होल्ड्स. ठीक है, अब इसके बारे में सर क्या बात है, जरा सा ओवरव्यू उसके बारे में दे. जैसे कि सर यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सब हेडिंग में लिखा कि अ हार्शर पेनल्टी इन द 2008 असम सीरियल ब्लास्ट केस कुड हैव लीड टू वाइडर ट्रबल. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस की बात की गई है. 2008 में असम में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद एक बहुत ही बड़ी डेथ पेनल्टी वहां पर दी गई उनके विक्टिम्स को. यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स पर जरा गौर फरमाइएगा. Rockbhai protests against the center's proposed citizenship amendment bill. Assam Bodo populated areas were on edge for another reason last week. हमने सर देखा था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था उसका काफी ज्यादा अपोज किया गया था, उसका काफी ज्यादा विरोध किया गया था केंद्र सरकार का जो ये बिल था असम में. तो इसके लिए भी अगर हम बात करें, असम का जो बोडो एरिया है या बोडो लैंड में जो भी वहां की पॉपुलेशन है, वहां के लोग हैं, वो काफी हाईलाइटेड रहे थे न्यूज़पेपर में. और अभी एक और रीजन निकल कर आया है असम के बोडो लैंड में, एक और मुद्दा निकल कर आया जिसकी वजह से ये चर्चा में आ गया है. ओवर अ डिकेड, एक दशक पहले, आफ्टर 9 सीरियल बॉम्ब रिप्ड थ्रू 4 टाउन्स, the clamor for the death penalty to be awarded by the perpetrators had put the state on alert after a district and session court set up for the CBI case and convicted 14 of them. तो यहां पर बात की गई है कि करीब एक दशक पहले 9 एक के बाद एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे असम के 4 शहरों में और उन सभी प्रिपिटेटर्स यानी कि जो भी उसके लिए गुनहगार हैं, जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको वहां पर डेथ पेनाल्टी देने की बात की गई है. सीबीआई ने वहां पर जिला स्तर और सेशन कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट किया था, सेटअप किया था, उसके बाद 14 को वहां पर कन्विक्ट किया गया है. नेक्स्ट पीपीटी की बात करता हूं. तो नहीं, ये मुद्दा केवल इतना ही है. तो हाल ही में अगर हम बात करें यहां पर पीस होल्ड जो वहां पर हो रही थी, तो यहां पर सीधा सीधा मुद्दा यही निकल के आता है कि पहले तो असम का ये एरिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की वजह से खबरों में था और हाल ही में एक दशक पुराने असम के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में 14 के आसपास वहां के लोगों को डेथ पेनाल्टी दी गई है. तो अ हार्शर पेनाल्टी, तो इस वजह से भी असम का जो एरिया है वो और ज्यादा ट्रबल में जा सकता है, जैसे कि सब टाइटल में लिखा है, कुड हैव लीड टू अ वाइडर ट्रबल. तो दो दो चीजें वहां पर चले, हाल ही का ये मुद्दा हो गया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि असम में सियासत भी गरमाई हुई है और वहां के लोगों में भी काफी अशांति है इन दोनों मुद्दों को लेकर. चलिए अब हम एक और आर्टिकल यहाँ पे लगभग छूट गया. यस, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का अगर हम बात करें, नेशनल रजिस्टर ऑफ एक्सक्लूजन. बिल्कुल, जब से ये नेशनल रजिस्टर ऑफ ये जो सिटीजनशिप बना हुआ है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वहां से तब से जब से ये बनी हुई ये चीज़, ये रजिस्टर की जब हम बात करें सिटीजनशिप रजिस्टर की, तो ये तब से ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ आएंगे. ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है सर, इसके बारे में जरा सा. जैसा कि सर अभी अभी हम लोगों ने ओवरव्यू डिटेल में डिस्कस किया है एक मुद्दे के बारे में असम में, तो उसी का मुद्दा देखिए यहां पर डिटेल में दिया गया है और इस पर हम पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके थे कि असम में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है, अफगानिस्तान से जो जो वहां पर इमिग्रेंट
यू हम कह सकते हैं, या शरणार्थी आप उनको कह सकते हैं, रिफ्यूजी हम उनको कह सकते हैं, उनको भारत की नागरिकता देने की बात की गई है। तो वहां पर काफी लोग, सारे लोग को वहां पर एक्सक्लूड भी किया गया है। यहां पर लिखा है अ नेशनल रजिस्टर ऑफ एक्सक्लूजन, काफी लोग इससे बाहर भी रखे गए हैं। दोबारा इसको रिव्यू भी किया गया है, जून के आसपास इसकी लास्ट डेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि तब तक लगभग 40 लाख लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से। तो उनको दोबारा से उनको वैलिडेट करने, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और जून लास्ट तक उनको वैलिडेट करना है, उनको नागरिकता प्रदान करनी है। तो ये मुद्दा भी उसी के पैरेलल चलेगा, ये मुद्दा पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो इस पे सर और डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ खास इस पे नहीं, पर्सनल आर्टिकल हम कह सकते हैं हर्ष मंदार साहब का। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक जो आर्टिकल कुछ ना कुछ अभी लगभग 3-4 दिनों में बजट के ऊपर आएगा ही आएगा, तो ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे बजट का, बस ऊपर एक सुपरफिशियल एक ओवरव्यू आपको देते हुए जाएंगे। एंड अपीजमेंट बजट जनरली क्या है, यहाँ पे मैं एक बार आपको सब हेड पढ़ देता हूँ। देखो इस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, द इंटरिम बजट मेक्स क्लियर द क्लास हायरार्की इन द मोदी गवर्नमेंट स्कीम ऑफ पॉपुलिज्म। ये पर्टिकुलर जो एक बजट पेश किया गया है, जनरली इसे ये बताया गया कि मोदी गवर्नमेंट का जो है, मोदी गवर्नमेंट का एक स्कीम है ऑफ पॉपुलिज्म, मतलब एक पॉपुलर जो है एक एरिया में, एक विशिष्ट एरिया में वोट पाने, इलेक्शन पाने का एक पॉपुलर आइडिया बताया गया है इस तरीके के इंटरिम बजट को। अगर राइटर की बात करें सर, पूजा मेहरा इस पर्टिकुलर आर्टिकल की राइटर, उनका सीधा सीधा साफ साफ यही कहना है, जैसे कि सर हम लोगों ने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि शॉपिंग फॉर वोट्स, कि जहां जहां से हमें वोट मिल सकते हैं वहां वहां पर अनाउंसमेंट किए गए हैं, वहां वहां पर रियायतें दी गई हैं जनता को। जैसे कि हमने बात किया कि सभी को 6,000 रुपए का जो किसानों को पर एनम उनको जो अमाउंट कैश बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाना है, या हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन स्कीम की बात की गई है, किसानों के लिए काफी कुछ है। और बात करें हम लोग यहाँ पर सैलरी क्लास की, तो वहां पर भी वहां पर टैक्स में रिबेट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है क्रिटिसाइज करता है बजट को, कि बजट को इस तरह से यूटिलाइज किया गया है ताकि आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट वोट यहां पर ज्यादा से ज्यादा ले सके। तो मैं कहूंगा सर कि अगर कांग्रेस पार्टी भी होती तो भी वो पूरी कोशिश करती इस पर्टिकुलर बजट के माध्यम से जनता से वोट सपोर्ट लेने के लिए, और हर तरह की राजनीतिक पार्टी इस तरह के काम करती ही है। तो इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया गया इस पर्टिकुलर मानसिकता को, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को। देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग हट करके, एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ अमेरिका हैज लॉस्ट द अफगान वॉर। अब ये बिल्कुल थोड़ा इकोनॉमी हो गया, इंडियन चीजें, इन चीजों से हट करके थोड़ा सा एक अलग एक यहाँ पर टॉपिक पे बात की जा रही है। देखिए अगर हम इसके सब हेड को अगर पढ़ते हैं, वंस यूएस ट्रूप्स लीव द तालिबान इज श्योर टू चैलेंज काबुल वन वे और द अदर। ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार यूएस ट्रूप्स वहां से चली गई तो ये पक्का है कि आज नहीं तो कल एक या फिर दूसरे किसी न किसी तरीके से तालिबान जो है वो काबुल पर अधिकार जमाने के लिए कोशिश जरूर करेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें सर इस पर, हमने एक दो आर्टिकल अफगानिस्तान से जुड़े हुए आर्टिकल पे हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया था कि वहां पर अगर अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स जाती हैं, 17 साल सर हो चुके हैं अमेरिका को अफगानिस्तान में लड़ते हुए, और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि जल्द ही वहां से अमेरिकन फोर्सेस चली जाएंगी। तो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें यह बताया गया था कि अब भारत को, यानी कि इंडिया और चाइना को वहां पर एक मेजर रोल प्ले करना होगा, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और चाइना भी एक सुपर पावर के तौर पर एशिया में अपने आप को देखता है। तो भारत और चाइना की जिम्मेदारी यहां पर बढ़ जाती है कि अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है उसको कायम रखा जाए, शांति है उसे कायम रखा जाए। लेकिन जैसा कि आपने सब टाइटल में बताया है कि वहां पर अगर अमेरिकन फोर्सेस वहां से लीव करती हैं, निकल जाती हैं, विड्रॉ करती हैं, तो कहीं ना कहीं तालिबान फिर से एक बार सर उठा सकता है और ये बता सकता है कि उसका खात्मा पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है। यही बात यहां पर बता गई है कि अमेरिका ने 17 सालों तक अफगानिस्तान में वॉर लड़ा, लेकिन फाइनली उसको उसने लॉस्ट कर दिया। इतनी ज्यादा अमेरिकन सैनिक वहां पर मारे गए, 17 साल तक काफी खर्चा भी हुआ, लेकिन फाइनली अमेरिका क्या कर रहा है, अपनी ट्रूप्स को वापस बुला रहा है। तो अमेरिका हैज लॉस्ट द अफगान वॉर, ये यहां पर बताने की कोशिश। चलिए नेक्स्ट अगर आर्टिकल की बात करते हैं, देखिए ये वाला एक राइट साइड में आर्टिकल लिखा हुआ है, रॉन्ग ऑन द रोहिंग्या, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डिपोर्टेशन की बात है, रिफ्यूजीज के डिपोर्टेशन की बात है, सर जल्दी से इसके बारे में कुछ बच्चों को बता दें। अब बिल्कुल सर, इसको देखिए रोहिंग्या का एक मुद्दा था, वो भी हमने डिस्कस किया था हमारे स्टूडेंट्स के, कि जो रखाइन स्टेट है म्यांमार में, वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों का एक काफी बड़ा मुद्दा है। और रोहिंग्या जो मुसलमान है वो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें वो डिपोर्ट, यानी कि वहां पर उन लोगों को नागरिकता भी प्राप्त नहीं है। म्यांमार की अगर हम लोग बात करें तो वो लोग रिफ्यूजीज के तौर पर दूसरी दुनिया के कंट्रीज में शरण लेते हैं, दूसरी कंट्रीज में शरण लेने की बात करते हैं। जनवरी की बात है, द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR कॉल्ड फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑन द डिपोर्टेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी टू म्यांमार इन अक्टूबर 2018। अक्टूबर 2018 में रोहिंग्या का एक परिवार, सर रोहिंग्या जो फैमिली थी
उसे भारत ने डिपोर्ट कर दिया था, म्यांमार वापस भेज दिया था कि आप यहां पर नहीं रह सकते, और डिपोर्ट वापस कर दिया था, वापस भेज दिया था म्यांमार। तो यहां पर यूएन हाई कमिश्नर ने इस पर एक रिपोर्ट मांगी है, ये बात यहां पर बताई गई है। और देखिए सर, बहुत सारी चीजें उसके क्रम में चलती हैं, क्या रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कई जो पर्सनल है या सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिकॉज जो तालिबान है या जो आईएसआईएस है वो कहीं ना कहीं वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका है और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में यहां पर मदद मिलेगी। तो इस तरह से हमें रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहां शरण नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ 1951 अगर मैं बात करूं लास्ट पैरा की, इट इज ऑफन अर्ज दैट द प्रिंसिपल डज नॉट बाइंड इंडिया सिंस इट इज अ पार्टी ऑफ नाइदर द 1951 कन्वेंशन नॉर द प्रोटोकॉल। 1951 का सर एक कन्वेंशन है जिसमें शरणार्थियों को शरण देने की बात की गई है, लेकिन इस कन्वेंशन में भारत शामिल नहीं हुआ था। तो भारत किसी भी तरीके से बाइंड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने के लिए, ये बात यहां पर की गई है। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल इस पर्टिकुलर इमेज वाले सेक्शन पे। सर कुछ बच्चे कह रहे थे कि आज ममता बनर्जी पे कोई इमेज हो या फिर कोई आर्टिकल नहीं आया क्या, तो ये रहा। बिल्कुल सर, हाउ इज द जोश, उड़ी मूवी मैंने भी देखी थी सर, उड़ी मूवी आपने भी देखी होगी, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वहां पर पूछा आता है कि आपके जोश का लेवल क्या है, हाउ इज द जोश, तो वहां पर बोलते हैं हाई सर। तो यहां पर हम बात करें कल जो कोलकाता में, कल मैंने आपको एक ओवरव्यू भी बताया था कि कोलकाता में हाई लेवल ड्रामा चल रहा है, वहां पर सीबीआई, देखिए मैं सीधा सीधा मुद्दा आपको बता देता हूँ बहुत ही क्लैरिफाई, ताकि आपको सिचुएशन को समझने में मदद मिले। पूरा का पूरा मामला है शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़ा हुआ, जो कि करीब 2013 के आसपास किया गया था। शारदा चिटफंड घोटाले में जब सीबीआई के अधिकारी बिना नोटिस के वहां पर पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार साहब से पूछताछ करने के लिए पहुंचे, तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई, बिकॉज उनका यह कहना है कि सीबीआई इस तरीके से बिना कुछ नोटिस दिए सवाल जवाब नहीं कर सकती। और राजीव कुमार वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर यह बताया जा रहा है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, डॉक्यूमेंट हैं, जो कि शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े हुए हैं। और शारदा चिटफंड घोटाला जो है वो ममता बनर्जी उनकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये घोटाला हुआ था तो उनके पार्टी के कई नेता गिरफ्तार किए गए हैं और इस समय जेल में भी हैं। तो सीधी सी बात यहां पर निकल के आती है कि अगर कोई मुद्दा बहुत पुराना होता है तो वहां पर सीबीआई को किसी भी तरीके के नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए, और वो सीधे जाके जांच पड़ताल कर सकती है। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया, कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई और मोदी जी से ये गुहार लगाई कि वो गलत तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है सर, सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो पूछताछ की जा रही राजीव कुमार जी से वो होना चाहिए। तो ये धरने की फोटो है सर, धरने में कोलकाता में वो पूछ रही हाउ इज द जोश, तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है सीबीआई के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, या कार्टून उसी पर। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हमारे साथ यहाँ पे कोलकाता से लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं वहां पे जितने भी, तो एक स्लोगन रहता था ना हमेशा, माँ माटी मानुष, ये बिल्कुल ममता बनर्जी का जो एक जो उनकी पार्टी है टीएमसी, उनका ये स्लोगन है माँ माटी मानुष। तो अभी चीजें किस तरफ जा रही है, इलेक्शंस भी सामने है तो किस तरफ चीजें जा रही है, बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, अलग अलग इलेक्शंस के मायने होते हैं, तो बस वही चीज यहाँ पे सारी चीजें दिखाई गई, कभी भी धरने पे वो बिल्कुल बैठी हुई। और सर एक जो ये आर्टिकल है डेंजर ऑफ कैश ट्रांसफर, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने सेशन के दौरान, तो बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सेशन जैसे ही वो कैप सेशन हमारा खत्म होगा इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बजट में जो कैश ट्रांसफर की बात की गई उसके बाद क्या समस्याएं क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल, अब वो कैप सेक्शन की तरफ चलते हैं। और कुछ बच्चे सर, हम सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो फाउंडेशन, इंग्लिश का जो फाउंडेशन है उसका हम लोगों को नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि उसका नोटिफिकेशन आए ना आए, इंग्लिश फाउंडेशन की जो क्लास है वो सुबह 9 बजे होती है, किस दिन, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ये सुबह 9 बजे होती है। तो तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन आए, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन ना आए कुछ जानने की जरूरत नहीं, अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो फाइन, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल 9 बजे सुबह जो है मेरे साथ जुड़ जाना एडिटोरियल के बाद, किस किस दिन, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे के दिन, ये 3 दिन मेरे साथ 9 बजे जुड़ जाना। और एक इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देता हूं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जनरली अब इंग्लिश को बिल्कुल इंटरेस्ट, मजा लेते हुए पढ़ना है, सारी की सारी चीजें मजा लेते हुए इंग्लिश में पढ़ना है। तो एक तरफ तो तुम्हारा प्रेपरेशन फाउंडेशन क्लास बेसिक, उसकी मैं कोशिश कर ही रहा हूं, वो चीज अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है तुम्हारा, एक तरफ वो हो गया, और दूसरी तरफ आज रात को 8 बजे कितने बजे, सारे लोग लिखेंगे अभी मुझे कि यस कितने बजे, आज रात को 8 बजे एक स्पेशल क्लास इंग्लिश की मैं लेकर के तुम सबके लिए आ रहा हूं, कितने बजे, 8 PM टुडे, आज टुनाइट 8 बजे रात को एक स्पेशल क्लास मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश के लेकर के आ रहा हूं। तो सब मुझे यहां पे जितने भी लोग हैं, लगभग 1200 बच्चे हैं यहां पे, तो सारे बच्चे मुझे वहां पे चाहिए,
क्योंकि जब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी रब इंग्लिश के सारे दरवाजे मैं खोलूंगा, हर वो दरवाजा, हर वो गली इंग्लिश की जहां पे बच्चों का जाना मुमकिन नहीं लग रहा था, अब हर जगह वहां जाएंगे और घूम करके आएंगे और पता लगेगा मेरे साथ इंग्लिश की ट्रेवल करो, जर्नी ऑफ इंग्लिश विद योर गोलू मोलू सर, है ना। तो हर तरफ अपने इंग्लिश का पूरा दिमाग जो है वो खोलेंगे रात को 8 बजे। सबको यहां पे लिखना है कि सर कितने बजे आना है, आज रात को 8 बजे, 8 PM टुनाइट। सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे यस सर 8 PM टुनाइट हम लोग सर, सब आने वाले मैं हैं। भी टाइप कर देता हूँ 8 बजे सर। बिल्कुल 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 8 बजे टुनाइट। ओके फाइन, सारे लोग लिखो कि यस सर 8 PM टुनाइट इंग्लिश की एक नई क्लास लेकर के आ रहे हैं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा लगेगा, अटेंड जरूर करना है। ठीक है चलो अब हम चलते हैं बिल्कुल यहाँ पे जो वोकैब सेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। कौन सा क्लास है रात को आज 8 बजे, ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है चलो रात को 8 बजे सबसे पहले वर्ड की अगर हम बात करें तो देखो फर्स्ट लाइन में ही तुम्हारा लिखा हुआ मिलेगा शिर्क। क्या लिखा हुआ? शिर्क, है ना, SHIRK शिर्क। शिर्क का मतलब होता है भागना, एस्केप करना, अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, है ना। किसी भी कोई चीज से अगर तुम भाग रहे हो, जैसे कि अगर बाई चांस मान लेते हैं कि बचपन में ऐसे बहुत बार हुआ है कि तुमने कोई बदमाशी की है और मम्मी पापा क्या बार बार पूछते हैं ये काम किसने किया, ये काम किसने किया, और तुम उनकी नजरों से थोड़ा नजर चुराते रहते हो, ठीक है ना, आंखें चुराते हुए थोड़ा सा भागते रहते हो ताकि उनके क्वेश्चन का तुम्हें आंसर ना देना पड़े। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। सारे लोग कह रहे हैं कि यस सर 8 PM टुनाइट, आज 8 बजे तुम लोगों को धमाका करना है, रात को 8 बजे मजा आएगा जरूर इंग्लिश के सेशन में मेरे साथ। ठीक है तो शिर्क मतलब क्या हो गया? जब भी कोई किसी चीज से तुम भाग रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसे हम बोल सकते हैं शिर्किंग। ठीक है जैसे व्हाई डू यू शिर्क फ्रॉम योर स्टडीज, अपने जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी जो पढ़ाई उसे क्यों भाग रहे हो, उसे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। अगर हम बोले कि सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से भाग रही है, द गवर्नमेंट इज फाइंड वेज टू शिर्क फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ठीक है तो शिर्क का मतलब क्या हो गया? भागना, अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, एस्केप करना। ठीक है नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ एंटाइटलमेंट। देखो एंटाइटलमेंट क्या है? प्लूरल नाउन और ये पॉजिटिव वर्ड। एंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा हक है, हकदारी, राइट। और ये अच्छा वर्ड देखना, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है तुम्हारा हक, ठीक है, तुम्हारा राइट, तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्रिविलेज, सुविधा जिसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, अभी क्या हो गया है कि हायर एजुकेशन जो हो गया है ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रिच लोग जो है, रिच ठीक है, पोर लोग नहीं, रिच लोग जो धनी है, लोग हैं जो अमीर लोग हैं, सिर्फ उनका ही एक प्रेरोगेटिव बन के रह गया, उनका ही एंटाइटलमेंट बन के रह गया, उनका हक बन के रह गया, उनका राइट बन के रह गया। तो एंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है? हकदारी। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन शुड नॉट बी स्पेसिफिक टू एनी एंटाइटलमेंट। समझ मेरी बात आ रही है कि एजुकेशन जो रहा है वो किसी एक स्पेसिफिक हकदारी को सीमित नहीं रहना चाहिए। एजुकेशन इज द एंटाइटलमेंट ऑफ द ह्यूमन, ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करना, वो किसी भी ह्यूमन बींग का क्या है? वो एक राइट है, वो एक हक है, वो प्रेरोगेटिव है। ठीक है थर्ड वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ स्पाइक। ये वर्ड कौन नहीं जानता है, ये वर्ड कौन नहीं जानता है? अचानक से कोई मूवी देख करके आए सलमान खान की, आमिर खान की, और यहां पूरा साफ करके यहां झोपड़ी बना दिया। तो ये जो झोपड़ी बनता है ना, यहाँ लोग बोलते हैं अरे भाई स्पाइक रखा करो यार, मतलब ऐसे ऐसे सीधे सीधे, है ना। तो मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कील, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो ये जो स्पाइक उगा लेते हो यहाँ पे बालों में, आजकल बाल का तो हेयर स्टाइल जबरदस्त हो गया है ना, तो बालों में जो स्पाइक उठा लेते हो, एक्चुअली उसका मतलब क्या हो? स्पाइक का मतलब बाल नहीं होते, हेयर नहीं होते, स्पाइक का मतलब होता है कील, है ना। कोई भी तुम नेल्स वगैरह छोटे छोटे, तो प्रेक वगैरह जो बोलते हैं ना, प्रेक बोला ठोक तो कांटी, उसको बोल सकते हैं हम लोग स्पाइक, बड़े बड़े जो कील होती हैं, ठीक है। पिन को भी बोल सकते हैं एक तरीके का स्पाइक। तो स्पाइक मतलब हो गया तुम्हारा किल, और ये जो तुम लोग बाल जो स्टाइल करते हो पूरा जेल लगाकर पूरा ऐसे माउंटेन बना देते हो, हिमालय पर्वत, तो वो भी क्या, वो भी एक तरीके का स्पाइक। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कील की तरह स्ट्रेट होता है। और अगर इसको तुम वर्ब में ले जाओ तो उसका मतलब हो गया कील से बांधना। जैसे कि क्या हो गया, द एनिमल्स वर स्पाइक्ड, द एनिमल्स वर स्पाइक्ड, या द लिटिल बॉय वॉज स्पाइक्ड, ठीक है, क्योंकि उसे कील से एक थोड़ा सा बांध, एक खूंटी से बांध दिया गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था। ठीक है तो स्पाइक का मतलब नाउन और वर्ब दोनों ही समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ प्रीएम्प्टिव। बहुत 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 अच्छा वर्ड है प्रीएम्प्टिव। तुमने उरी मूवी देखी है ना, उरी मूवी तुमने देखी है, सबने देखी है। देखो उरी मूवी में क्या हो गया, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में वहां दिखाया गया है, तो सर्जिकल स्ट्राइक, अब सर्जिकल स्ट्राइक जिन्होंने भी मूवी देखी, क्या कोशिश की गई, कोशिश की गई कि जब मतलब जब तक वो संभले, जब तक वो मतलब कि POK में जा करके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जा करके वो हमला करेंगे, और हमला करके कि वो आ जाएंगे जो लॉन्च पैड्स हैं टेररिस्ट के, उनको खत्म करके वो आ जाएंगे। तो जब तक ये सारी चीजें करेंगे और जब तक वो मतलब उनको ये इन बातों की भनक पड़ेगी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम अंदर घुसेंगे और अंदर जाने के बाद हम उनको पूरा डेमो मतलब पूरा डेमोलिश कर देंगे, पूरा तबाह कर देंगे, और तबाह करने के बाद वापस लौट के आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस टाइप के मेजर को हम लोग बोलते हैं प्री एम्प्टिव मेजर। क्या बोलते हैं?
प्रीएम्प्टिव मेजर। प्रीएम्प्टिव मेजर का मतलब क्या होता है, सर्व करना या इंस्टॉल करना कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी चीज, कोई भी काम तुम पहले कर लो, इससे पहले कि तुम पर कोई हावी हो जाए, तुम पे कोई अटैक कर दे, उसके पहले जितने भी सब प्रोएक्टिव काम होते हैं ना उनको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव काम। जैसे कि क्या हो गया, इससे पहले कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको भनक पड़े, इससे पहले कि वो लोग फिर से कोई स्टेप ले लें इंडिया पे अटैक करें, इससे पहले उन्होंने इंडियन इंडियन जो फॉरेस्ट कह रहे हैं जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने प्री एम्प्टिव मेजर्स ले लिया और इससे पहले कि वो लोग कुछ अटैम्प करें इन लोगों ने जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो इस तरीके से ताकि दुश्मन से तुम्हें तुम बच सको, वो कुछ और स्टेप्स ना उठा सके, उससे पहले ही तुमने नेस्तो नाबूद कर दिया, उसे बोल सकते हैं प्री एम्प्टिव। जैसे अगर हम बात करें 1939 या 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो गया, इससे पहले कि जापान अब कोई चाल चलता, पर्ल हार्बर खत्म करने के बाद अब कोई चाल चलता, अब कुछ भी कर सकता, इससे पहले यूएस ने क्या किया, यूएस ने पूरा प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए और पूरा एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन वहां पे करवा दिया। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से चीजें होंगी। चलो नेक्स्ट वर्ड का अगर मतलब देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, पीरियोडिक। ये वर्ड थोड़ा सा यूज होता है आजकल, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है सामयिक, रेगुलर इंटरवल पे, रेकरिंग जिसको बोलते हैं, रिपीटेड अटेम्प्ट। जैसे कि अगर हम बोले रह रह करके या फिर जैसे कि पीरियोडिकली, अगर हम ऐसे जैसे कि आज रात को जो 9 बजे क्लास, 8 बजे जो क्लास होने वाली है, पीरियोडिक क्लासेस होंगी, मतलब फिर से मैं अगली बार फिर से 2 या 3 दिन बाद फिर से इसी तरीके की क्लास लेकर के आऊंगा, तो ये पीरियोडिक क्लासेस हो गई। जो भी चीज तुम्हारी रह रह करके रेगुलर इंटरवल पे काम करे उसे हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो देखो लिखा हुआ है डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या हो गया, उखाड़ देना, तोड़फोड़ कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है, उसको बिगाड़ देना। तुमने रोबोट मूवी तो देखी होगी ना, रोबोट की मैं अगर बात करूं, रोबोट पहला एकदम फर्स्ट मूवी जो रोबोट की थी, तो क्या हो गया कि फाइनली जो कोर्ट है उसको, कोर्ट ने, कोर्ट ऑर्डर देता है कि फाइनली क्या हो गया, वो जो रोबोट बना हुआ है, चिट्टी जो रोबोट बना हुआ था उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, मतलब उसको फिर से बिगाड़ दिया जाए, उसको तोड़फोड़ कर दिया जाए, उसको फिर से डिसमेंटल कर दिया जाए। सो इफ समथिंग इज डिसमेंटल्ड, इसका मतलब हो गया कि उसको डीकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, उसको डिसएम्बल कर दिया जाए, उसको पूरा ब्रेक कर दिया जाए, उसको तोड़फोड़ कर दिया जाए, ठीक है। तो डिसमेंटलिंग का मतलब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है डोल्स। ये एक अच्छी बात होती है, डोल्स। डोल्स का मतलब क्या होता है, खैरात या फिर सहायता। तुमने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जो अमीर बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जो जो मंदिर के इधर मतलब किनारे जो बैठे, मंदिर के चारों तरफ जो कुछ बेगर्स लोग बैठे हुए रहते हैं, लोग क्या करते हैं, पूजा देकर आते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ दान वगैरह करते हैं, तो वो क्या होती है, वो एक तरीके से एक सहायता होती है, खैरात टाइप की होती है। तो यहाँ भी जो है वो इस तरीके से कुछ कहा गया है कि जब भी कोई सहायता खैरात के रूप में मिलती है, ठीक है, तो वहां पर लोग बोल सकते हैं डोल्स। जनरली ये जो सहायता है ना, डोल्स, जैसे कि मेरे मम्मी पापा हमारा हेल्प कर रहे हैं, सो दे आर नॉट गिविंग अस डोल्स, ठीक है, वी कैन नॉट कंसिडर, हम उनके प्रयासों को हम कभी भी डोल्स नहीं बोल सकते कि दोज आर डोल्स, हम इस तरीके से कभी नहीं बोल सकते कि दैट इज अ डोल, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि डोल जनरली होता है कि सहायता तब दी जाए जब अनएम्प्लॉयमेंट हो। क्या बोला जा रहा है, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस जितना भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी भत्ता होता है ना एक तरीके से, तो उसको जो हम लोग बोल सकते हैं डोल्स, खैरात या फिर सहायता, बेनिफिट या फिर अलाउंस। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होते हैं दैट यू कैन से इट इज डोल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्ट्रावेन। कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है अवहेलना करना, ब्रेक करना, ब्रीच करना। जिस तरीके से अभी हम लोग पढ़ करके गए कि 129 स्टूडेंट्स को जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों, क्योंकि यूएस माइग्रेशन जो लॉज है, माइग्रेशन लॉज को उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रावेन किया। तो तुम्हें पता चलेगा होगा कि कॉन्ट्रावेन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है कि अवहेलना करना, ब्रेक करना, ब्रीच करना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि डू नॉट ट्राई टू कॉन्ट्रावेन, ठीक है, डू नॉट ट्राई टू कॉन्ट्रावेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, जैसे कोर्ट कहता है कि कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, कोर्ट में जो चल रही है उनको तुम बिल्कुल भी ब्रीच नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, अवहेलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो रहा तुम्हारा पहला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड तुम्हारा ये आ चुका है। यहाँ पे देखो पहला वर्ड क्या है, एंटेल्स। एंटेल्स का मतलब होता है कोई भी जरूरी चीज, आवश्यक, रिक्वायर, बोलना। जैसे कि क्या हो गया, अगर हम बोले कि ये पर्टिकुलर एग्जाम, द SBI एग्जाम्स, द SBI PO एग्जाम एंटेल्स हार्ड वर्क एंड परसीवरेंस एंड कंसिस्टेंसी फ्रॉम ऑल ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि क्या हो रहा है, जब भी हम कोई कह रहे हैं कि एंटेल्स, एंटेल्स का मतलब होता है डिमांड रखना,
ठीक है, नीड आवश्यकता, मतलब क्या आवश्यकता प्रकट करना, आवश्यकता व्यक्त करना, रिक्वायरमेंट दिखाना, डिमांड करना। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे आज रात को 8 PM हम लोग मिलने वाले हैं एक स्पेशल इंग्लिश के क्लास में, ठीक है, अब दैट इंग्लिश क्लास एंटेल्स योर सपोर्ट, योर कंट्रीब्यूशन। अब वो जो इंग्लिश की क्लास है वो डिमांड करती है, वो रिक्वायर करती है, वो चाहती है तुम लोगों का साथ, तुम लोगों का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने सर को तुम लोग थोड़ा अपना साथ दो, तो आज रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो एंटेल्स का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करें थिकेट, ये एक नया वर्ड है थिकेट। थिकेट का मतलब क्या होता है, बुश, जो झाड़ियों का, छोटे छोटे झाड़ियों का जो समूह होता है ना, उसे हम लोग बोल सकते हैं थिकेट। तुम्हें याद होगा हमने बताया था कि जो मतलब कलेक्शन ऑफ ट्रीज, कलेक्टिव नाउन हमने बताया था, कलेक्टिव नाउन फॉर ट्रीज हमने ये बताया था, कलेक्टिव नाउन ट्रीज के लिए क्या होता है, है ना, कलेक्टिव नाउन ट्रीज के लिए क्या होता है, तो बहुत सारा होता है। एक तो होता है वुडलैंड, वुडलैंड कब होता है, जब हम जंगलों की, बड़े बड़े जंगलों की बात कर रहे हैं जहां पे वृक्ष भरे हुए हैं। लेकिन अगर तुम्हारा गार्डन छोटे छोटे पौधे झाड़ियां वगैरह बिल्कुल ग्रुप कलेक्शन है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, यू कैन कॉल इट अ ग्रुप, ठीक है। सो थिकेट का मतलब हो गया झाड़ी, बुश या ग्रुप, देयर इज अ ब्यूटीफुल थिकेट, ठीक है। या द कैट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द थिकेट, बिहाइंड द थिकेट या बिहाइंड थिकेट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे तुम्हारे सामने है बिविल्डरिंग। ये वर्ड कॉमन वर्ड है, बिविल्डरिंग का मतलब होता है उलझन में डालना, पजलिंग, बैफलिंग, परप्लेक्सिंग, कोई भी चीज मुसीबत में डाल दे, हक्का बक्का तुम्हें कर दे, दैट इज बिविल्डरिंग, ठीक है। जिस तरीके से अचानक बाय चांस मान लेते तुम्हारा एग्जाम SBIPO एग्जाम दिया और उसमें पहली बार भी तुम क्लियर कर गए, तो अब ये बिल्कुल तुम्हारे मन में बाबा हक्का बक्का हो गया, तो अब ये बिविल्डरिंग नहीं हुआ। बिविल्डरिंग क्या होता है, नेगेटिव में हक्का बक्का हो जाना, दैट इज बिविल्डरिंग, है ना। अब तुम अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या, पेरेंट्स वगैरह क्या, नेगेटिवली हक्का बक्का होंगे नहीं, हाँ तुम्हारे दोस्त जरूर होंगे, अरे भाई ये पास हो गया, अब सारा का सारा जो भी खरी खोटी सुनाई जाएगी वो हम लोग को सुनाई जाएगी, ये वाली एक चीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ वांटन। ये वर्ड बहुत अच्छा है, ये मैंने एक्चुअली ये वर्ड तब पहली बार पढ़ा था जब मैं नॉवेल्स वगैरह कुछ पढ़ रहा था। वांटन प्ले लिखा हुआ था, लिखा हुआ था वांटन प्ले ऑफ गॉड, वांटन प्ले ऑफ गॉड ये लिखा हुआ था। मतलब कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें मतलब हालत इतनी खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, कि अचानक से उनके साथ हर वो इस तरीके के कुछ वाकयात हो जाते हैं, इस तरीके के कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि जो लक है ना, जो ईश्वर है, जो किस्मत, उनके साथ बहुत गलत खेल खेल रहा है। तो वांटन का मतलब होता है निर्दयी, क्रूवल, जिसे हम बोल सकते हैं, एडजेक्टिव और नेगेटिव वर्ड है, तो ऐसा बोल सकते हैं वांटन मतलब क्लूअर, निर्दयी, मैलेवोलेंट, ठीक है, मलिशियस, बिल्कुल बुरी तरीके से खेल रहा है, उसे हम बोल सकते हैं वांटन, ठीक है। सो जैसे कोई एग्जाम दे रहा है बार 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 नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, पिछले 2-3-4 साल से एग्जाम दे रहा है बट फिर भी उसका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो बोल सकता है कि वांटन प्ले ऑफ द डेस्टिनी, क्या बोल सकता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम वांटन प्ले ऑफ द डेस्टिनी, मैं अपने डेस्टिनी, अपनी किस्मत के बिल्कुल निर्दय खेल से मैं क्या कर रहा हूं, मैं सफर कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है तुम्हारा स्वेद, क्या लिखा हुआ है, स्वेद। अब स्वेद का मतलब नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। कोई भी बड़ा घास का एक एरिया, मैदान, घास का एक एरिया, लंबा बहुत ज्यादा दूर तक एक्सटेंट एरिया, ग्रास लैंड, उसे भी हम लोग बोल सकते हैं स्वेद। जैसे ब्यूटीफुल, आई वॉज गोइंग अक्रॉस, आई वॉज गोइंग थ्रू अ ब्यूटीफुल स्वेद, ठीक है, अ ब्यूटीफुल एरिया ऑफ स्वेद, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर द स्वेद्स ऑफ द US, द स्वेद्स ऑफ द US आर ब्यूटीफुल, मतलब कहीं भी अगर एक लंबा ग्रास लैंड हो, घास की एक बहुत बड़ी जमीन हो, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं स्वेद, ठीक है, क्लियर हो गया। और स्वैग का मतलब होता है बांधना भी होता है, रैप भी होता है, टू रैप अप, रैप किसी भी चीज हम बांध रहे हैं, तो उसे भी हम बोल सकते हैं स्वैग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पेन्यूरी। देखो पॉवर्टी तो हम सब जानते हैं, पॉवर्टी का मतलब होता है दरिद्रता, लेकिन नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब भी वही होता है जिसके पास एकदम पैसे ना हो, दरिद्रता, उसे हम बोल सकते हैं पेन्यूरी। तो आज के बाद क्या बोलोगे, पेन्यूरी बोलना, पॉवर्टी मत बोलना, पॉवर्टी बहुत कॉमन वर्ड है, तो आज के बाद ट्राई टू यूज पेन्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं विंटेज। देखो विंटेज, विंटेज का मतलब होता है स्ट्रेस्ड, विंटेज का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस्ड, जो जनरली यूज हम लोग करते हैं। वैसे विंटेज का मतलब क्या होता है, इसका रिलेशन वाइन से है, है ना, इसका रिलेशन जनरली वाइन से, एक ऐसा समय, एक ऐसा काल जब वाइन बहुत अच्छे बनते थे, ठीक है, तो वहां पे उस युग को, उस टाइम को भी विंटेज बोला जाता है। लेकिन विंटेज का जो यूज होता है ना, जो एप्लीकेशन होता है, जो मैं हमेशा कहता हूं तुम लोगों को, जैसे नाउन्स के एरर्स और एप्लीकेशंस के बारे में कल सुबह हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा, कॉमन एरर्स और एप्लीकेशंस के बारे में, तो जो विंटेज का मतलब हो गया तुम्हारा जो एप्लीकेशन होता है, वो स्ट्रेस्ड के सेंस में आता है, सुपीरियर के सेंस में आता है, ठीक है। जैसे सचिन इज अ विंटेज प्लेयर, हम लोग बोलते हैं ना। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है ये मस्टर। मस्टर का मतलब होता है एकत्र करना, गैदर करना, असेंबल करना। जैसे लॉट ऑफ 10,000 पीपल वेयर मस्टर्ड, 10,000 पीपल वेयर मस्टर्ड, ठीक है, बिफोर इलेक्शंस। या फिर बोल सकते हैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्टर्ड बिफोर इलेक्शंस टू डिस्कस
ऑन द इश्यूज ऑफ इलेक्शन, कुछ इस तरीके से। तो मस्टर्ड का मतलब क्या हो गया, एकत्र होना, गैदर होना, असेंबल होना, उस समय बोल सकते हैं मस्टर्ड। ठीक है, तो लगभग 16 वर्ड्स तुम्हारे सामने आज हम लोगों ने डिस्कशन किए, आई होप ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं idioms, phrase और phrasal verb पे, देख लेते हैं पहला वाला अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर मतलब क्या होता है, बिल्कुल नजदीक, क्लोज, अप्रोचिंग, नियर। तो इंग्लिश का जो सेक्शन तुम्हारा बिल्कुल करीब है, जो मैं तुम्हारे साथ अभी करने वाला हूं, वो कौन सा है, आज रात को 8 बजे, टुनाइट। ठीक है, सो दिस 8 PM टुनाइट इंग्लिश सेशन इज अराउंड द कॉर्नर फॉर यू, सो डू नॉट मिस दैट सेशन। ठीक है, उस सेशन को मिस नहीं करना, अराउंड द कॉर्नर मतलब क्लोज, अप्रोचिंग या फिर नियर। दूसरा जो है काफी अच्छा है, दूसरा ये देख लो क्या बोला गया, कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर, हम लोग बोलते हैं ना, चाहे जमीन इधर की उधर हो जाए, आसमान इधर का उधर हो जाए, उथल पुथल हो जाए, लेकिन ये काम हम तो करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो उसी का ये है, कम हेल और हाई वाटर मतलब होता है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल अटेंड 8 PM टुनाइट क्लास, मैं आज रात के 8 बजे क्लास को अटेंड करूंगा, कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हेल आ जाए, नरक आ जाए, या फिर तूफान, आंधी तूफान, कुछ भी हो जाए, हमें तो अटेंड करना ही करना है। ठीक है, तो ये दोनों थे तुम्हारे idioms, phrases और phrasal verb, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम जल्दी से चलते हैं आज के आर्टिकल की तरफ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल सर, अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ IAS या UPSC एस्पायरेंट्स होंगे, उनके लिए काफी अच्छा ये आर्टिकल है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स की बात की गई है अबाउट दी कैश बेनिफिट ट्रांसफर। अगर हम हाल ही के सालों में देखें तो कैश बेनिफिट ट्रांसफर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया में, और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था असम स्टेट का, कि असम राज्य पहला ऐसा राज्य बना था जो कि अपने राज्य में मिनिमम बेसिक इनकम को लागू करना चाहता था, उसका प्रस्ताव रखा था। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं सब टाइटल के साथ। It might incentivize the state to shirk its constitutional responsibility of providing basic entitlements to all. अब यहाँ पर देखिए shirk का मतलब सर ने बताया था भागना या दूर हो जाना। तो यहाँ पर it might incentivize to state, ये राज्यों को प्रेरित करेगा, ठीक है, shirk its constitutional responsibility, जो भी उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं अपने नागरिकों के लिए, अपनी जनता के लिए, उनसे दूर भागने के लिए, providing basic entitlements। तो अगर हम कैश बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं जनता को, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें काफी पीछे हो जाएंगी, काफी पीछे, मतलब कि उनको एक बहाना मिल जाएगा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से दूर भागने का, कि हम कैश बेनिफिट ट्रांसफर दे तो रहे हैं, अब हम आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, हमने पैसा दे दिया, आप अपना रखो, अपना काम काम चलाइए, कुछ इस तरह की बात यहां पर की गई। दिस इज द डेंजर ऑफ कैश ट्रांसफर। फर्स्ट लाइन, विद द जनरल इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर ऑफ द NSSO डेटा रिवीलिंग दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज हिट अ 45-year हाई, देयर इज अ स्पाइक इन कंसर्न फॉर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो यहां पर बात की गई है, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, जो भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की चिंताएं हैं, आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बिकॉज NSSO ने जो डेटा रिवील किया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये बताया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के माध्यम से। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है काफी हाई है, पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर जा रहा है। तो यहां पर एक चिंता का विषय यही है, खतरा यही है कि अगर कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा तो राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागेंगी। फर्स्ट लाइन के यहां पर मैं बात करता हूं, सेवरल रीसेंट प्रपोजल, हाल ही में जो कुछ प्रस्ताव आए हैं, वेदर दी कांग्रेस प्री एमिटिव अनाउंसमेंट ऑफ अ मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, हाल ही में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने मिनिमम इनकम गारंटी की बात की, कि अगर हमारी सरकार आती है केंद्र में तो हम सभी को मिनिमम इनकम की जो गारंटी है वो प्रोवाइड कराएंगे, और द इंटरिम बजट प्रॉमिस ऑफ अ रेंज ऑफ द इनकम ट्रांसफर टू द फार्मर, हाल ही में फार्मर्स के लिए इनकम ट्रांसफर करने की बात की है, 6,000 इन अ ईयर, और 3 इसकी इंस्टॉलमेंट होंगी, 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आपकी बनेंगी का 3-4 महीनों के लिए, जिसके अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 3 रुपी पर डे निकल कर आएगा फॉर अ फैमिली ऑफ 5। तो 3 रुपए प्रतिदिन, 6,000 रुपए एक साल में, यह भी वादा किया गया। एंड अ पेंशन स्कीम फॉर वर्कर्स एज्ड ओवर 60 इयर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट फॉर 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कैटेगरी। तो देखिए, दो और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं, 60 साल से ऊपर जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको पेंशन देने की बात की गई है, 29 साल की उम्र में अगर वो ज्वाइन करते तो 100 रुपी उनको देना होगा और पेंशन के प्रीमियर के तौर पर, प्रीमियम के तौर पर, और अगर ज्वाइन करते हैं 18 साल के आसपास तो 55 रुपए मात्र उनको देना पड़ेगा, 3,000 रुपए उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। माइट अपीयर प्रॉमिसिंग बट राइज क्वेश्चन अबाउट देयर इंपैक्ट ऑन दी वर्किंग पुअर। तो ये बात की गई, चलो ठीक है, ये सारे अनाउंसमेंट अपनी जगह है, 10% कोटा भी दिया जा रहा है अपर क्लास कम्युनिटी को,
तो इन सारी चीजों के अलावा उन लोगों की क्या गलती है जो कि गरीब है लेकिन काम कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ऐसे लोगों पर जो कि काम कर रहे हैं, गरीब है, दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं मेहनत करके कमा के, अगर इन लोगों पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये कहने की बात है यहां पर अकॉर्डिंग टू राइटर। नेक्स्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैश ट्रांसफर्स टू द पुअर ऑल्सो सब्जेक्ट टू ग्रॉस एक्सक्लूजनरी एरर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन डू नॉट इंश्योर एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड इवन सस्टेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इस सारी चीजों के अलावा भी अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो कैश ट्रांसफर किया जाएगा पुअर्स को, इसमें हो सकता है कई लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए इन सुविधाओं से। और लिखा है ये भी सारी चीजें श्योर नहीं कर सकती, इंश्योर नहीं है कि ये एसेसिबल है सबके लिए, अफोर्डेबल है सबके लिए और इससे हमारे देश की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो और मजबूत होगी और सस्टेन होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लाइन की बात करें, द स्कीम ऑल्सो डजेंट इंडिकेट वेदर द मनी वुड बी स्पेंड बाय द बेनिफिशरीज। ये बात भी यहां पर बताने की है कि भाई ये भी इस पूरी स्कीम में नहीं बताया गया कि जो भी पैसा बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को मिलेगा, वो पैसा लाभार्थी कहाँ पर खर्च करेंगे, ये बात भी नहीं है। अब बिहार जैसे स्टेट की बात करें तो जो भी पैसा आएगा वो लीकर में उड़ा दिया जाएगा, भाई अगर लोग इसको पसंद करते तो उनको फ्री का पैसा मिल रहा है, तो जो धूम्रपान या इस तरह की जो नेगेटिव एक्टिविटीज है उसमें भी पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये भी क्लियर नहीं है कि जो कैश बेनिफिट ट्रांसफर जाएगा उसका पैसे का इस्तेमाल लाभार्थी कहां करेगा। मोर इंपॉर्टेंटली द कंसर्न इज दैट, सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह है इज दैट कैश ट्रांसफर को रिप्लेस रेदर देन सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग स्कीम दैट प्रोवाइड सब्सिडाइज गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कैश ट्रांसफर जाएगा गरीबों को उनके खाते में, तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऑलरेडी जो आपकी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें सब्सिडाइज अमाउंट में आपको सर्विसेज मिलती हैं, मटेरियल मिलते हैं, सप्लीमेंट मिलते हैं, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, राशन की दुकान होती है, राशन की दुकान बीपीएल कार्ड होता है वो जाता है, 4 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं, शक्कर भी वहां पर आपको, चीनी भी मिलती है, मिट्टी का तेल भी दिया जाता है, बहुत ही बेसिक वहां पर जो सुविधाएं मिलती हैं, तो बहुत ही राशन की दुकान में जो सब्सिडाइज अमाउंट में सप्लीमेंट और सर्विसेज दी जाती हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनको कैश ट्रांसफर उनके डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि नेक्स्ट पीपीटी में समझेंगे, दिस वुड इंप्लाई दैट सिटीजन कुड बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द प्राइवेट फॉर प्रॉफिट प्लेयर्स टू अवेल इवन बेसिक सर्विसेज। अगर ऐसा होता है तो फिर देखिए उनको क्या करना है, मार्केट प्राइस पर ही सारी चीजें खरीदनी होगी, राशन की दुकान में कुछ मिलेगा नहीं, तो उनको छोड़ दिया गया है किसकी दया पर, किसकी मर्सी पर, प्राइवेट जो सेक्टर है उनकी और जो भी प्रॉफिट प्लेयर्स हैं उनकी मर्सी, उनकी दया पर छोड़ दिया गया है कि वो तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे ही। ओके, दिस माइट इंसेंटिवाइज द स्टेट टू शिर्क इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एंटाइटलमेंट टू ऑल। देखिए बात यहां पर आ गई कि भाई राज्य सरकारें भी, उनकी जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई कि भाई हमें तो कैश ट्रांसफर कर दिया गरीब के खाते में, अब हमें राशन की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है, संवैधानिक जो जरूरतें होती हैं लोगों की, बेसिक जो नीड होती हैं उनको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम भी फ्री हो गए, उनको एक बहाना मिल जाएगा इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, केस स्टडीज अराउंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैव शोन दैट दे प्ले अ इंस्ट्रूमेंटल रोल इन डिसमेंटलिंग एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड डिप्राइव आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर देयर वेजेस। बात यहां पर की गई कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम होगी ये काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाती है डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग का मतलब खत्म कर देना, उखाड़ के फेंक देना एग्जिस्टिंग पहले से चल रही वेलफेयर कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, एंड डिप्राइव आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर देयर वेजेस। यानी कि आशा जो वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं जो काम करती हैं बच्चों और महिलाओं के लिए, उनको भी उनकी मजदूरी नहीं मिलेगी, एक बात की जा रही है कि उनको भी उनके मजदूरी से हटा दिया जाएगा। तो यहां पर इन सभी चीजों के ये नेगेटिव इंपैक्ट है कि अगर हम कैश डेन बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं तो इसके क्या क्या असर हो सकते हैं, क्या क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। दीज वर्कर्स हैव बीन पिलर इन क्रिएटिंग एन इको सिस्टम फॉर इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। हम सभी जानते हैं कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं और बच्चों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करके देती हैं ताकि उनकी वहां पर न्यूट्रिशनल यानी कि पोषण जो उनका होता है वो उसमें पीछे ना रहे, उनका पोषण बेहतर हो, न्यूट्रिशनल लेवल काफी अच्छा रहे, तो देश के भविष्य के लिए काफी अच्छा ये काम करती हैं। तो ये भी उनकी भी मजदूरी पर यहाँ पर आँच आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट और फाइनल पैरा की बात करता हूँ, हरीड इनकम ट्रांसफर बिफोर द इलेक्शन कुड बी कंसीडर एज कैश फॉर वोट्स बट द लार्जर डेंजर इंटेल्स द स्टेट्स डिमिनिशिंग अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स इट्स सिटीजन्स ऑफ अपहोल्डिंग देयर राइट्स टू बेसिक एंटाइटलमेंट्स एंड टू वोट।
सीधी सी बात एक ही है कि इस अगर हम बात की जाए इस अमाउंट की, 6,000 का जो अमाउंट है उसकी जो पहली किस्त है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, किसानों के खातों में भेज दी जाएगी इलेक्शन से कुछ समय पहले। तो उसको कंसिडर किया जा रहा है राइटर के द्वारा कैश फॉर वोट्स की तरह, और ये बताया गया है कि इससे सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिमिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जो कि केंद्र सरकार की रहती है या राज्य सरकार की रहती है। जो बेसिक सर्विसेज है और मटेरियल प्रोवाइड करने की जो बात रहती है वो उससे दूर हो जाएंगी। तो सीधा सीधा यहाँ पर पूरे आर्टिकल की बात करें, डिस्क्रिप्टिव है और साथ ही साथ कुछ अच्छी बातें तो की गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसको क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश की गई, नेगेटिव इंपैक्ट पर ज्यादा असर डाला गया है। लेकिन सर मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर होने से जो बिचौलिए होते हैं ना, जो भ्रष्टाचार होता है राशन की दुकान में, सर कितना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, तो ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उम्मीद है आने वाले समय में हमें कोई पॉजिटिव आर्टिकल भी मिलेगा, लेकिन ये आर्टिकल पूरी तरह से नेगेटिव इंपैक्ट बता रहा है कैश ट्रांसफर के अकाउंट में गरीबों के। ओके, आर्टिकल क्लियर हुआ तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा। देखिए, और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो भी व्यूज वगैरह है ये हमारे या फिर आपके एडिटर जो जीए गुरु है, एडिटोरियल जीए गुरु, उनका नहीं है, ठीक है, ये उनके व्यूज है। जनरली ऐसा नहीं कि हम लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में अगेंस्ट बोले, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो भी चीजें यहाँ पर राइटर ने लिखा है उनको सिर्फ एक्सप्लेन किया जा रहा है, उनको आपको समझाया जा रहा है, तो ये राइटर के व्यूज है जो हमारे जो जबान से वो जो निकल रहे हैं, तो हमारे व्यूज नहीं है, जो लिखा हुआ वो चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। चलिए, अब आज दोपहर 12 बजे, दोपहर के 12 बजे आज क्या होने वाला है, तो दोपहर के 12 बजे आज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी घूमने वाली है आज दोपहर के 12 बजे, और बहुत मजा आएगा। आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा इमेज आप देख सकते हैं, एटमोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब कुछ, और पृथ्वी बिल्कुल घूमते हुए, ज्योग्राफी किस तरीके से पढ़नी है ये आज अपने आप जीए गुरु बोलो या जीएस गुरु बोलो, आप जो भी बोले उनके साथ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। आज दोपहर 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा ज्योग्राफी के सेशन, बिल्कुल। और उसके बाद ये रहा 8 बजे, रात के 8 बजे मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कि जानिए इंग्लिश के अलंकार, बिल्कुल इंग्लिश के अलंकार। हम लोग मूवीज देखते हैं, वहां पे एक्ट्रेस को देखते हैं और कितनी अच्छी लगती है, भैया ये तो बहुत अच्छी लग रही है, कटरीना कैफ, करीना वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो उसी तरीके से इंग्लिश को भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अब जब इंग्लिश के प्रति हम लोगों ने अपनी कमर कस ली है तो क्यों ना इंग्लिश की उन गलियों में भी घुसा जाए जहां पे जनरली लोग डरते हैं जाने से, तो बिल्कुल अब वैसा नहीं होगा। पहली बार हम लोग ये सारी चीजें डिस्कशन करें इंग्लिश का अलंकार, बहुत मस्ती से डिस्कशन करेंगे, एंटरटेनमेंट के साथ एडुटेनमेंट होगा आप सबका रात को 8 बजे, तो मैं वेट करूंगा रात को 8 बजे। और आज दोपहर की क्लास मैं ही लूंगा, ज्योग्राफी की जो क्लास है काफी सारे स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे कि सर आप ज्योग्राफी क्यों नहीं सेशन ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सेशन आपके लिए आ गया। आज दोपहर 12 बजे हर ट्यूजडे को मिलिएगा, ज्योग्राफी पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा एचडी तस्वीरों के साथ, एचडी क्लियरिटी के साथ ज्योग्राफी पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा, आनंद आएगा। दोपहर 12 बजे जुड़ना मत भूलेगा। चलिए, और बस आज के सेशन में इतना ही था, लेकिन इससे पहले और भी एक चीज जरूरी है सर, इस सेल के बारे में जरा सा बच्चों को बता। बिल्कुल सर, 6 फरवरी और 7 फरवरी की हम बात करें, नाउ महिंद्रा स्टडी मटेरियल किट अवेलेबल ऑनलाइन, बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन भी महिंद्रा का जो स्टडी मटेरियल है बुक के फॉर्म में आप उसे परचेज कर सकते हैं, महिंद्रा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है myshop.mahindra.org। तो 0 to hero ऑफर, 0 to hero, तो बिल्कुल अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, न्यू कैंडिडेट हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टडी मटेरियल को परचेज कीजिए, काफी ज्यादा हैवी डिस्काउंट किया गया है। एक बार आपको विजिट जरूर करना चाहिए myshop.mahindra.org वेबसाइट का, कल आप इसको विजिट कर सकते हैं। 6 और 7 तारीख तक आपकी सेल चलेगी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। कोई डाउट हो तो टोल फ्री नंबर भी आपका दिया हुआ है, एक बार इस ऑफर को विजिट जरूर करें इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, ठीक है। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, इसके बाद अपने जीए गुरु से आप मिलेंगे दोपहर के 12 बजे और मुझसे मिलेंगे आप आज रात को 8 बजे, बिल्कुल दिमाग में रख लो ये बात, ठीक है। तो बस उसके बाद थैंक यू वेरी मच, तो आज रात को 8 बजे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग, थैंक यू।